नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों आज ना अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे अगर मल्टीपल्स में वैल्यू इंक्रीज हो रही हो किसी वेरिएबल की, तो हम वहां पर लॉग इन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे, और मैंने वहां पर एक और बात बोली थी कि अगर डिवाइड भी हो रहा है तो भी हम, या फिर बोलते हैं हाफ हो रहा है या फिर 1/3 हो रहा है हर इटरेशन में, तो वहां पे भी हम लॉग इन लेते हैं। तो दोस्तों उसका ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया और आप देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, मैंने वही चीज यहाँ पे है, एन जो है वो रिसीव करा है वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा दोस्तों, ये हमारा इनपुट हो गया जो यूजर पास करेगा और यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हमने एक इंट आई इजक्वल टू 0 एम इजक्वल टू 0 रखा है, मतलब ये एक बार ही चलेगा, जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो एक बार ही चल जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आई में मैंने क्या डाला है दोस्तों, एन की वैल्यू डाली है तो ये भी 1 टाइम चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो आई की वैल्यू जो है, आई में वो वैल्यू है जो एन की थी, मतलब एन की, अब आपने सपोज एन में 10 पास किया था तो आई में क्या आ चुका है दोस्तों, 10 आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिए कि आप चेक करोगे कि 10 जो है वो छोटा है, ये सॉरी बड़ा है 0 से, ऑफकोर्स बड़ा है, ट्रू है, तो आप अंदर आ जाओगे, आप इसको चलाओगे ये 1 टाइम चल जाएगा, इसको चलाओगे ये 1 टाइम चल जाएगा। लेकिन जैसे ये चलेगा तो क्या करेगा, आई की वैल्यू को हाफ कर देगा, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी। फिर आप ऊपर जाओगे 5 को चेक करोगे, फिर ये चलेगा, फिर ये 1 टाइम चलेगा, फिर ये, तो इसका मतलब ये लूप जो चलता जाएगा, तो ये लूप कितने टाइम चलेगा दोस्तों, ये चलेगा आपका, आपकी वैल्यू क्या हो रही है, हाफ हो रही है हर बार में। और मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी वैल्यू हर बार में मल्टीपल हो रही हो या फिर हाफ हो रही हो, तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे कितने के लिए, तो जो जिस वेरिएबल से ये चेक हो रही, तो आई से हो रही है, आई के अंदर क्या है दोस्तों, एन है, तो लॉग एन लेंगे हम। और बेस क्या आता है दोस्तों, कितने से हाफ हो रही है, कितने से आपकी वैल्यू जो है डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड हो रही है तो मैं लॉग 2 लूंगा। अगर सपोज ये 3 से हो रही थी तो 3 लेता, 4 से हो रही थी तो 4 लेता दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, डिसाइड हो गया। और ये वाला कितने टाइम चल गया, 1 टाइम चल गया। तो अगर मैं इसका फंक्शन बनाऊं तो एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 + 1 + लॉग 2n प्लस, अब लॉग 2n के अंदर है ये, अंदर है तो मतलब मल्टीपल में होंगे, 1 + 1 और फिर उसके बाद प्लस में आ जाएगा कितना दोस्तों, 1। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 और 1 2 प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 2n ब्रैकेट में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 आ जाएगा, 2 मतलब ये आगे आ जाएगा हमारा है ना, प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग 2n। तो दोस्तों आप जरा देखिए यहाँ पे, ये जो ये है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 log 2n। अब दोस्तों ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है, तो ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, log 2n। तो दोस्तों हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ log 2n। ये हमारी दोस्तों क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी थी। दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, आपको लगता है यूजफुल है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।